विश्व शांति के लिए सेवा संगठनों व सर्वधर्म प्रतिनिधियों ने सद्भाव पद यात्रा निकाली। वर्ग चैरिटेबल ट्रस्ट के आह्वान पर नगर में विभिन्न सेवाभावी संगठनों ने मिलकर विश्व शांति के लिए सर्वधर्म संभाव और सद्भाव शांति करुणा पद यात्रा निकाली। संपूर्ण विश्व में पिछले कई वर्षों से लगातार युद्ध की विभीषिका चल रही है। सीरिया, अरब, यूक्रेन, रूस और वर्तमान में इसराइल और फलिस्तीन। एक दिन में ही हजारों निर्दोष लोगों की जाने जा रही है और मानवता शर्मसार हो रही है। ऐसे में शांति प्रिय लोगों का यह कर्तव्य है कि वे दुनिया को शांति, सद्भाव, करुणा, प्रेम, दया, ममता का संदेश देवें। इसी उद्देश्य से यह पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में यह भावना व्यक्त की गई कि हम संयुक्त राष्ट्र, भारत सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से विश्व में शांति और मानवता बचाने के लिए हर प्रकार के युद्ध और शत्रुता को रोकने की अपील करते हैं। 27 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 9 बजे गांधी चौराहा से ध्वज तिरंगा के तले शांति, मानवता, भाईचारा, सद्भाव के संदेश के साथ यह रैली निकली, जिसमें नगर के अनेक सेवाभावी संस्थाओं, संगठनों के प्रतिनिधिगण सम्मिलित हुए। डॉक्टर देवेंद्र पुराणिक, अजीजुल्ला खान खालिद, शहर काजी आसिफुल्ला, राजा राम तंवर और भी नगर के कई गणमान्य नागरिक शामिल थे। वर्ग चैरिटेबल ट्रस्ट के मुजफ्फर मंसूरी ने उक्त बात का विश्व शांति पर संदेश देते हुए पदयात्रा में शामिल लोगों का आभार व्यक्त किया। यह कवरेज किया है संवाददाता शंभुसेन राठौर ने। आज हमने विश्व शांति के लिए सर्वधर्म संभाव सद्भावना शांति करुणा पदयात्रा का आयोजन किया है। इसका वजह यह है कि हम देख रहे हैं कि दुनिया में लगातार जंगें हो रही है, पहले सीरिया अरब, उसके बाद में यूक्रेन रूस और अभी जो फिलिस्तीन और इसराइल, और इन जगहों के अंदर मानवता ख़त्म हो रही है, मानवता नष्ट हो रही है। तो उसको बचाने के लिए एक संदेश दुनिया को देने के लिए, क्योंकि हम महात्मा गांधी के मानने वाले लोग हैं और महात्मा गांधी ने जो सत्य और अहिंसा का जो हमको पाठ पढ़ाया था, और उस वक्त सब सारी दुनिया जब आपस में लड़ रही थी दूसरे विश्व युद्ध के अंदर, और गांधी जी ने उस वक्त अहिंसा का आंदोलन चलाकर देश को आज़ादी दिलाई, तो सत्य और अहिंसा और गांधी जी के विचारों पर चलकर ही हम शांति दुनिया के अंदर कायम कर सकते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये यहाँ पर विश्व शांति के लिए एक सद्भावना पद यात्रा का आह्वान किया है, और इसके अंदर मंसूर के सारे जितने भी जो संगठन हैं, सेवाभावी संगठन हैं, वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित हैं, और सब एक खामोश, एक मौन रैली इसके अंदर निकाली जा रही है, और ये संदेश देने के लिए ताकि आने, और ये संदेश मंसूर से किया है ताकि आगे भी बढ़े और पूरे ये संयुक्त राष्ट्र तक हम उसको पहुँचाएँ, जाकर भारत सरकार तक इसको पहुँचाएँ, उनके संज्ञान में आए कि शांति से ही, अहिंसा से ही पूरी दुनिया के अंदर शांति कायम की जाए। यहाँ से गांधी चौराहे से लेकर महाराणा प्रताप और उसके बाद नयापुरा रोड, शुक्ला चौक, घंटाघर, भारत माता चौराहा होते हुए वापिस यहाँ गांधी चौराहे पर खत्म हो गया।